ये सीढ़ी चढ़ चुके हैं, बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। अब बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर पहुंच के अब बस आदेश के लिए होगा और आदेश हो जाएगा, फिर उसके बाद अगली सीढ़ी, बस उसके बाद ही किनारे। अनेबल कोर्ट पूरा समझ रही है कि ये तो समझ में आ गया अनेबल कोर्ट को कि यूनियन ऑफ इंडिया पैसे देती है, पर्याप्त पैसे देती है, एक्सेस पैसे पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है देने के लिए। अभी तक पहले शुरुआत में क्या था कि हमारे पास फंड नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी बात अपील में उन्होंने की हमारे पास फंड नहीं है देने के लिए, कहती हो है केंद्र सरकार दे दो 17,000 लेकिन हमारे पास फंड नहीं। अब जब अनेबल कोर्ट ने आंकड़े मंगवाए, पूरा डाटा मंगवाया, जब डाटा मंगवाया है तो उसी आधार पर उन्होंने ये कहा कि आ गए पैसे। अब इसमें दो बातें हैं, अगर केंद्र सरकार अपने बताती नहीं पैसे तो वो भी जांच का विषय बन जाएगा, अब अगर राज्य सरकार पैसे छुपाती है तो वो भी जांच का विषय बन जाएगा, अगर दोनों में कंट्राडिक्शन आता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पैसे दिए हुए हैं उनमें तो जांच का विषय बन जाएगा। और हम ऐसी कोर्ट में सुनवाई करा रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर वो किसी तरह का आदेश दे सकते हैं अगर उन्होंने फंड में गड़बड़ी की, हेरा फेरी की, घोटाला की तरफ अगर स्मेल चली गई तो पैसे भेजे पहुंचे इनका किया क्या गया, तो दूसरी तरफ अगर इशारा हो गया तो फिर जांच का विषय हो जाएगा, फिर कहीं उसमें सीबीआई जांच या और चीजें जांच है, क्योंकि पावर्स है, उन पावर्स का अनेबल हाईकोर्ट समय समय पर प्रयोग करती रही है, प्रयोग हुए हैं, उनसे जनहित के मामले सुलझाए गए हैं। ये भी सरकारी फंड का मामला है, ये भी जनहित का मामला है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, 30,000 के लगभग अनुदेशक है उत्तर प्रदेश के, हर गांव और शहर से जुड़ा हुआ मामला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ मामला है, आर्थिक तंगी से जुड़ा हुआ मामला है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है इससे जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस विषय पर बहुत गंभीरता से गहनता से ऑनरेबल कोर्ट भी और बहुत जल्दी जितना जल्दी सुनवाई कर सकते हैं। अपने देखिए एकदम टाइम बाउंड है, 11:30 बजते हैं सब मैटर छोड़ दिए जाते हैं, हमारा मैटर ले लिया जाता है, तो ये अनुदेशकों की ये भी जीत है, आपकी जीत है, जल्दी सुनवाई होना लगातार। देखिए आप मई से आया, मई जून तो छुट्टी रही और जुलाई और अगस्त इसमें 11वीं डेट हो गई है और ये गंभीरता ही है, विषय की आवश्यकता ही है कि जो इतनी जल्दी जल्दी सुनवाई अब हो रही है और इसमें अब ऑर्डर सब कुछ अनेबल कोर्ट को फाइल भी नहीं अब पढ़नी पड़ती, अब वो फैक्ट नहीं जानना चाहते, अब वो काउंटर रिज्वाइंटर ये सब नहीं पढ़वाना चाहते, अब विषय की सब पर बहस हो चुकी है, अब उन चीजों को वो सुनना भी नहीं चाहते, वो सीधे कहते हैं यस आर यू एक्सेप्टिंग अमाउंट, फंड आ रहा है आपके पास, है फंड, ओके ठीक है, तो ठीक है लाइए, ये तो एक्सेप्ट हो चुका है ना कि फंड आ रहा है। हाँ बिल्कुल, रिटेन में काउंटर एफिडेविट, एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कोर्ट के लिए, जैसे घरों में कसम खा के कहना इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही कोर्ट में वो शपथ पत्र भी इसी बात का पर्याय है कि काउंटर एफिडेविट में शपथ पूर्वक की बात कही। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है, जब फंड भी आ रहा है, सरकार के पास फंड भी है, केंद्र सरकार भी दे रही है और सरकार का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अनुदेशकों को सरकार देना नहीं चाहती है, तो क्या सरकार की मंशा पे सवाल नहीं खड़े हो जाते हैं इस तरीके से? नहीं, सरकार की मंशा पे तो साफ साफ सवाल हो रहे हैं, डबल इंजन की सर, आप होगा मैंने एक सुनवाई के दौरान कहा भी था कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार का अर्थ क्या होता है, यही होता है डबल इंजन मतलब मांगी, मोदी जी ने कहा कि हमें डबल इंजन की सरकार दो, उत्तर प्रदेश की जनता ने दी, पहले केंद्र में माननीय मोदी जी को रखा पर दोबारा अभी भी दिया और दोबारा भी दे दिया, अब डबल क्या तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई कि दोबारा भी दे दिया, हमने आपके कार की आपकी कार्यशैली आपके कार्य करने के ढंग पर परफेक्ट लोकतांत्रिक तरीके से मोहर लगा दी, स्वीकार कर लिया कि आप ठीक है, अब आपको ठीक करना है, अपने प्रदेश की जनता, अपने प्रदेश के शिक्षक, अपने प्रदेश के सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए व्यक्ति, अपने प्रदेश के भविष्य, अपने प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने वाले व्यक्ति, टीचर हैं, गर्ल्स मेंस जो भी हैं, उन सब के बारे में अब आपको सोचना है, आपको उनको और सोचना भी नहीं, आपको व्यक्तिगत कुछ अपनी जेब से नहीं देना है, केंद्र सरकार दे रहा है एक चीज अनेबल